हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में ऐसा रिमाइंडर कैसे सेट कर सकते हैं। लाइक ये देख सकते हैं, ये जो डेट है वो 1/5/2021 को है और यहाँ पे लिखा हुआ है सेंड रिमाइंडर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6/5/2021 है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेंड रिमाइंडर। यहाँ पे 15/5/2021 है लेकिन यहाँ नहीं लिखा हुआ है सेंड रिमाइंडर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 2/5/2021 है और यहाँ लिखा हुआ है सेंड रिमाइंडर। तो अब देखिए, यहाँ 22 तारीख है, आज भी 22 तारीख है, आज 23 तारीख है एक्चुअली। तो यहाँ पे देखिए, आज 23 तारीख है, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, ये देखिए, ये 23 मई। ठीक है, तो यहाँ पर सेंड रिमाइंडर नहीं दिखा रहा है। तो ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया, इस तरह की क्वेरी कैसे बनाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, आइए देखते हैं और रिमाइंडर वाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एक टेबल बनाना हमें। तो टेबल भी कैसा बनाएंगे हम, वो भी दिखा देता हूं। अब देखिए, यहां से क्रिएट पे जाना है आपको, और क्रिएट पे जाने के बाद टेबल पे क्लिक कर दीजिएगा और फिर यहाँ व्यू पे क्लिक करिएगा। ये यहाँ पे टेबल आ रहा है, टेबल 3 नाम बाय डिफॉल्ट आ रहा है, इसी को रहने देता हूं। अब यहाँ पे आ रहा है आईडी, ठीक है, मैं यहाँ कर देता हूँ अकाउंट नंबर। लाइक अगर आपका बिजली का बिल बकाया है, इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर का एक आउटलाइन मैं देता हूं कि ये कैसे सॉफ्टवेयर क्रिएट होता है। तो यहाँ लिख दिया अकाउंट नंबर, अब इसमें अकाउंट नंबर फिट होगा। ठीक है, जो भी आपका अकाउंट नंबर है बिजली के बिल का, वो आपका अकाउंट नंबर यहां फिट हो जाएगा। और फिर यहां पे नेम ऑफ कंज्यूमर दे देता हूं, कंज्यूमर, ओके, ठीक है, ये दे दिया हमने। और बिल अमाउंट, ओके, ये दे दिया हमने। और यहां पर आए बिल अमाउंट क्या होगा, वो करेंसी डेटा टाइप। और फिर यहां पे ड्यू डेट, ठीक है, ड्यू डेट हो गया। और ड्यू डेट को रखेंगे डेट एंड टाइम डेटा टाइप, यहां से डेट एंड टाइम रख लीजिए आप, ठीक है ना। अब यहां से इस पर क्लिक कर देता हूं, ये क्लिक कर दिया, अब ये इस तरीके से दिखेगा हमें। ठीक है, देख सकते हैं आप। अब यहां पर डालेंगे अकाउंट नंबर, ठीक है, जैसे सपोज कीजिए यहां पर मैं एक अकाउंट नंबर डाल देता हूं, तो ये एक अकाउंट नंबर हो गया। यहां पर नेम ऑफ कंज्यूमर हो गया राम सिंह, इस तरीके से मैंने डाल दिया। और फिर यहाँ बिल अमाउंट, तो मान लीजिए 3,330 रुपए ये बिल अमाउंट है इनका। और यहाँ पे ड्यू डेट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तो आप बिल के जनरेट करने का डेट भी दे सकते हैं। इसमें फिलहाल ड्यू डेट पे लेके बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ ड्यू डेट मैं दे देता हूँ 17 मई। तो यहाँ पे देखिए 23 तारीख है, 23/5/2021 है और 17 मई जो है ड्यू डेट है इसकी, ठीक है, ये ड्यू डेट है, ठीक है। जहां पे ड्यू डेट दे देता हूं 23 तारीख, ये ड्यू डेट है, ठीक है, इस डेट पे, इस डेट के पहले आपको बिल जमा कर देना है। अब यहां पे देखिए, ये एक अलग आ गया यहां पे अकाउंट नंबर, और यहां पे कर देता हूं सोनम चौरसिया, ठीक है, ये डाल दिया हमने। और यहां पर बिल अमाउंट है जो वो यहां पे आ गया, ठीक है। और ड्यू डेट यहां पे क्या है, यहां पे जो ड्यू डेट है वो है 22 तारीख, ठीक है। अब फिर एक और अकाउंट नंबर लेता हूं यहां से, लाइक दिस, ओके, तो ये कर दिया हमने। और यहां पर आएंगे, यहां पे नाम दे देंगे दिनेश, ना तो टेबल 2 के लिए, ना तो टेबल 1 के लिए, टेबल 3 के लिए क्वेरी बनानी है क्योंकि हमने ये डेटा टेबल 3 में ही बनाया है। अब यहां से क्रिएट पे चलते हैं, ठीक है, और यहां से आएंगे क्वेरी डिजाइन पर, और टेबल 3 को ही लेना है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब टेबल 3 में ये सारे डिटेल्स हमें चाहिए ही चाहिए, तो यहां से पकड़िए, उठा के लेके आ जाइए ये इस तरीके से, ठीक है। अब जब लेके आएंगे तो यहां पर ड्यू डेट दिखेगा आपको, यहां पर मैं लगा रहा हूं फॉर्मूला, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कैसे लगेगा, ये देखते हैं। यहां पर लगाते हैं आई इफ फॉर्मूला। अब ये आई इफ लगा दिया हमने, यहां पर क्या करेंगे, चूंकि ड्यू डेट हमने दिया एक फील्ड का नाम, तो यहां पर देते हैं ड्यू डेट। इसी से हमें तय करना है कि क्या रिमाइंडर इनको जाएगा, ठीक है, कि नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये कर दिया हमने, अगर ड्यू डेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां पे एक फॉर्मूला यूज करूंगा नाउ, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, नाउ का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा नाउ। अब ये जो इंफॉर्मेशन है इन लोगों को कब चली जाए, कितने दिन पहले चली जाए, 2 दिन पहले हम चाहते हैं कि इन लोगों को सारी बातें पता चल जाए कि हाँ तुम्हारा आ गया है बिल,
जल्दी से जमा कर दो, ठीक है। अब यहां पे देंगे कॉमा, कॉमा देने के बाद यहां पे देंगे प्लीज सबमिट योर बिल, ठीक है, ये दे दिया हमने इस तरीके से, कॉमा देंगे और फिर यहां पे डबल इंटेड कोर्स में क्या देंगे, खाली छोड़ देंगे इसको, खाली छोड़ दिया। खाली इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अगर ड्यू डेट नहीं आई होगी तो कुछ नहीं लिख करके आएगा, ठीक है ना। इतना कर दीजिए और यहां से कर दीजिए इस पर क्लिक। अब देखिए, अब चूंकि इसको एक कोई नाम नहीं दिया था, EXPR1 लिख किया गया है, ये यहां से जा करके और आप इसको सही कर लीजिए। यहां पे मैं कर देता हूं अ रिमाइंडर, ठीक है। अब ये कर दिया हमने इस तरीके से। तो यहां देखिए, इन लोगों का ड्यू डेट अभी आया नहीं है, 19/5/2021 दो दिन पहले का है ना। देखिए यहां पर करेंट डेट से दो दिन पहले, तो यहां पे देखिए इन दोनों लोगों का आ गया है, ठीक है। दो दिन पहले का मतलब 48 घंटे की बात है, ठीक है। यहां पे 21 तारीख है तो यहां पर भी नहीं आया हुआ है। अच्छा, फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। फॉर्मूले में लिखा हुआ है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ये देखिए फॉर्मूले में लिखा हुआ है -2, ठीक है। अगर इसको मैं -1 कर देता हूं तो ये और कम हो जाएगा, ये देखिए ये -1 कर दिया। अब देखिए एक दिन की बात होगी तो खाली एक लोगों को जाएगा ये प्लीज सबमिट योर बिल, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं फिर वापस जाता हूं और अगर +3 करता हूं, सॉरी -3 करता हूं, -3, ठीक है, -3, और यहां से ओके प्रेस करेंगे तब यहां से रन पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये तीन लोगों को जाएगा रिमाइंडर। तीन लोगों को जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और इसके लिए आप फॉर्म बना लीजिए यहां से जाकर के और एक तो फॉर्म डिजाइन कर लीजिए, या फिर यहां से फॉर्म पे जाइए, यस कर दीजिए और यहां पे यस कर दीजिए तो ये एक फॉर्म बन जाएगा। अब इस फॉर्म को थोड़ा अपने तरीके से हम व्यवस्थित कर लेंगे। लाइक यहां पे मैं दे देता हूं, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो कुछ लगा दिया। और ये देखिए ये जो है ना, इसको रीसाइज कर दीजिए। यहां से पहले इसको छोटा कर लीजिए, पहले ये छोटा करेंगे हम, ये देखिए इसको छोटा कीजिए इस तरीके से और ये थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आएंगे और यहां से इसको साइड में इस तरीके से कर देंगे। अब ये हमारा हो चुका है काम, ठीक है। अब देखिए यहां पर अब करना क्या है, इस जो ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है इसको एक पर्टिकुलर कलर हम प्रोवाइड कर देते हैं बैकग्राउंड में। तो बैकग्राउंड में ये वाला कलर मुझे लगता है कि ठीक रहेगा और ये वाला कलर हम दे देते हैं। और यहां पर भी एक कलर मैं प्रोवाइड कर देता हूं, लाइक ये कलर बेहतर है तो ये कर दिया हमने। और इसको और डार्क में देखना चाहते हैं तो यहां से इसका कलर बना दीजिए ब्लैक और कर दीजिए बोल्ड, और इसको भी कर दीजिए बोल्ड में। यहां से इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको बना दीजिए यहां से बोल्ड, बोल्ड बना दिया। अब यहां से थोड़ा सा इसको खींच करके ये कर दीजिए, ठीक है ना, और इसको ऊपर की तरफ लेके जाइए और बस हो गया। अब इतना करके यहां से व्यू पे क्लिक कीजिए। अब देखिए ये जो है बिजली बिल आपका तैयार है,